गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ भारत के बिल्कुल लास्ट भूभाग पे। मैं हूँ फिलहाल तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थान पे। मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो समुद्र की बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इससे आगे पूरा समुद्र ही समुद्र है। ये भारत का बिल्कुल लास्ट लैंड है, यहाँ से आगे धरती नहीं है। आगे की तरफ अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो वहाँ पे समुद्र के बीच में टापू के ऊपर कुछ एक मंदिर सा बना हुआ है, यहाँ पे एक स्टेचू है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कन्याकुमारी घुमाने वाला हूँ। वैसे तो लोग कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं, लेकिन मैं पहले कन्याकुमारी आया हूँ और उसके बाद अब मैं कश्मीर जाऊँगा। मैं अभी तक कश्मीर नहीं गया हूँ, तो पहले मैं कन्याकुमारी घूमूंगा उसके बाद कश्मीर जाऊँगा। मतलब मैं उल्टा ही करने वाला हूँ। तो आज पूरा दिन मैं कन्याकुमारी में बिताने वाला हूँ। कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है और इंडिया के अगर आप मैप पे देखो तो सबसे लास्ट में कन्याकुमारी पड़ता है। वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वहाँ जाने के लिए फेरी से जाना पड़ता है और जब स्वामी विवेकानंद वहाँ पे गए थे तो वो यहाँ से पूरा इस तरफ से तैर के और उस चट्टान पे गए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहले चलते हैं वहाँ पे फेरी में, फेरी का टिकट लेंगे, रॉक मेमोरियल चलेंगे, जो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल वहाँ चलेंगे और उसके बाद फिर कन्याकुमारी के और स्थान के। भीड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। ये लाइन ऐसे करके जाके फिर रिटर्न आती है, फिर ऐसे करके घूमी हुई है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। टिकट लेने के बाद हम लोग फाइनली फेरी के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो लाइफ जैकेट पड़ी हुई है, इस जब तक ये लाइफ जैकेट रहेंगी लोग इधर जाते रहेंगे। जैसे ही लाइफ जैकेट खत्म हो जाएंगी यहाँ पे लोग जाना मतलब बंद हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी फेरी आएगी और उसमें जाएंगे। दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये फेरी थी जिससे मैं आया था। सारे के सारे यात्री अभी उतर चुके हैं और इस साइड में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ पे ध्यान लगाया था जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मेमोरियल का जो टिकट है वो 30 रुपये पर पर्सन का है। ये यहाँ से एंट्रेंस है और मेमोरियल पे जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह उतारने होते हैं। कोई भी चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे आपके जो जूते चप्पल आप पहन के आए हैं वो यहीं पे जमा करने होंगे। आपको नंगे पैर जाना होगा ऊपर। ऐसा माना जाता है कि 1893 में जब स्वामी विवेकानंद केरल की जब वो यात्रा कर रहे थे तो लास्ट में वो इस जगह पे पहुंचे थे एक दिन के लिए। और उस टाइम पे यहाँ पे जैसे अभी फेरी चलती है ना, उस टाइम पे ऐसे कोई फेरी वगैरह नहीं चलती थी। तो वो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये शायद आप लोगों को स्थान दिख रहा है उधर, वहाँ पे, वहाँ से वो तैर करके इस चट्टान पे पहुँचे थे जिस चट्टान पे मैं अभी हूँ। वहाँ से वो तैर करके और इस चट्टान पे पहुँचे थे। यहाँ से बताते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस कुमारी माता के ऊपर ये जो कन्याकुमारी नाम पड़ा है, माता पार्वती का ही एक रूप है कुमारी, जिनको बोलते हैं कुमारी माता, उनके यहाँ पे ये जो मंदिर है ना, बताते हैं यहाँ पे उनके चरण पादुका यानी पैरों के निशान हैं। तो वो भी आपको दिखाऊँगा मैं। और ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद से पहले यहाँ पे माता जो कुंवारी थी उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो उनकी याद में ये 1970 में यहाँ पे स्मारक बनाया गया है जो एक मंदिर के रूप में है। सामने जो मंदिर आप लोगों को दिखेगा काफ़ी विशाल मंदिर है। यहाँ पर संगम भी है, तीन समुद्र आपस में यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी यहीं पे आके मिलते हैं, जिसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। आप लोगों को वो कैमरे में तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वो जो खूबसूरत नज़ारा है आपको अपनी आँखों से दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे जो संगम है तीनों ही तरह का अलग अलग पानी है। एक आप लोगों को मटमैला दिखेगा, दूसरा नीला दिखेगा और एक थोड़ा सा काला सा दिखेगा, ब्लैक। यानी तीनों यहाँ पे संगम है जिसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। अभी इस मंदिर में मैं दर्शन करके आया हूँ। यहाँ पे कुंवारी कन्या के पैर का एक मतलब निशान है, पूरे पैर का, जिसमें आप लोगों को साफ साफ दिखेगा कि ये किसी के पैर का निशान है। कन्याकुमारी जो थी, बताते हैं, माता पार्वती का ही एक अवतार थी जो भगवान शिव से शादी करने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी उन्होंने इस जो चट्टान है इसी चट्टान पे। और वहाँ पे आगे उनका मंदिर भी बना हुआ है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम कन्याकुमारी रखा गया था। इस शहर का नाम जो कन्याकुमारी पड़ा है वो कन्याकुमारी जो माता थी, माता पार्वती का रूप, उन्हीं के नाम पे इसका नाम कन्याकुमारी रखा गया है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना है, आप लोग देख सकते हैं। मंडपम के अंदर छायांकन करना सख्त मना है। अभी मैं मंदिर के अंदर दर्शन करके आया हूँ। यहाँ जाके मेरे को एक बात पता और पड़ी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था
कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद एक दिन रुके थे, तो ऐसा नहीं है। अंदर जाने पे मेरे को पता लगा कि स्वामी विवेकानंद यहाँ पे 25, 26 और 27 दिसंबर को यहाँ पे रुके हुए थे 1893 में। और अंदर स्वामी विवेकानंद की एक कांसे की प्रतिमा है जो लगभग 8.5 फीट की है। मंदिर के उस साइड उनके गुरु की फ़ोटो लगी हुई है और मंदिर के इस साइड उनके गुरु माता की फ़ोटो लगी हुई है। और सामने ही बिल्कुल स्वामी विवेकानंद की कांसे की प्रतिमा है जिसकी जो ऊंचाई है 8.5 फीट की है। ये जो पीछे आप लोगों को स्टेचू दिख रही है, ये तमिल के प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है, 133 फीट ऊंची है। और अभी इधर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है ना। वो स्टेचू किसका है? तिरुवल्लुवर, तमिलनाडु फेमस कवि। ओ, उधर जाने नहीं दिया जाता का? इधर नहीं, एंट्री बंद है, इधर वर्किंग ना। अच्छा, वर्किंग है इस वजह से। दोस्तों, मेरे पीछे अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो वहाँ पे गांधी जी का चरखा बना हुआ है। तो ये जो इमारत है ये गांधी मंडपम के नाम से है यहाँ पे। और गांधी जी की जो अस्थियाँ थी पीछे समुद्र में, जहाँ पे संगम है वहाँ पे उनकी अस्थियाँ प्रभावित हुई थी। और प्रभावित से पहले ही उनकी अस्थियों को जो देखने के लिए रखा गया था, ये वो स्थान है जहाँ पे गांधी जी की अस्थियों को रखा गया था आम जनता को दिखाने के लिए। ये जो है ये इमारत कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि 2 अक्टूबर वाले दिन सूर्य की जो किरण है वो डायरेक्ट उसी जगह पे पड़ती है जहाँ पे उनकी अस्थियों का कलश रखा गया था। तो इस तरह की इसकी वास्तुकला बनाई गई है। अंदर चलते हैं, कोई भी इसका टिकट नहीं है। यहाँ पे ये गांधी जी का फोटो है, तो मेरे हिसाब से उधर से सूर्य की किरण पड़ती होगी इस पे। और यहाँ पे कलश रखा गया था, ये लिखा है 12 फरवरी 1948। तो अंदर वो स्थान है जहाँ पे गांधी जी की अस्थियाँ रखी हुई थी। उसके साथ साथ यहाँ पे गांधी जी की बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, उसको आप लोग आके यहाँ पे देख सकते हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं है, उधर वो उसमें मंदिर है कन्याकुमारी का, और इस साइड में ये जो गांधी जी की ये जो स्मृति बनी हुई है यहाँ पे है, तो आप आके इधर देख सकते हैं इसको भी। बीच के किनारे यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जिसपे मसाले वगैरह बिकते हैं, है ना। इलायची क्या रेट क्या है इसका? 200 रुपये, 100 ग्राम 200 रुपये, लगभग 2000 रुपये केजी। और ये मिर्ची, काला मिर्च है? नहीं, काला मिर्च। इसका रेट? 600 रुपये, वो 600 रुपये, वो 600, ये 800। और लौंग? लौंग 1000 है, लौंग 1000। वो क्या है ना? वो मनुका, ब्लैक मनुका। अच्छा, मुनक्का, मनुका। ओ, ये ब्लैक कलर का तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा भाई। ये किशमिश जिसको बोलते हैं हम, मुनक्का, वही है ब्लैक कलर का। ये इसका प्राइस? इसका प्राइस ये का ब्लैक नहीं, ब्लैक ग्रेड का है, ब्लैक ब्लैक नहीं। इसका क्या प्राइस क्या है इसका? किला का 400 रुपये, 400 रुपये केजी। और ये वाला? वो वाला 300 रुपये, वो वाला 200 रुपये। ये 200 है और ये 300 है। तो ये तो अपने यहाँ दोनों मिलते हैं, लेकिन ब्लैक कलर का यार मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मेरे यहाँ नहीं मिलता इस तरह का। लोकल है ना ये? लोकल लोकल है, उधर का है। किधर से आता ये? ये किधर से आता? इंडोनेशिया। अच्छा, ये बाहर का, अपने यहाँ का है ही नहीं। और काजू? काजू का 800 रुपये हो गया, 600 रुपये हो गया, 500 रुपये हो गया। क्वालिटी अलग अलग क्वालिटी होगी। केजी वाला? केजी वाला। इधर है ना, कौन सा बताइए? इधर वाला देखो, ये 500 रुपये, ये 500, वो 650 रुपये, ये 650, वो ले लेना 800 रुपये ऊपर वाले। बोलो तो, वो फर्स्ट क्लास वाला है वो 800 रुपये केजी है। 800 रुपये इस तरह का यहाँ पे प्राइस। ये जो मतलब है मसाले वगैरह, ये केरला के होंगे ना? केरला, ये केरला से। जो शिलोंग, केरला और शिलोंग, शिलोंग। ये जो इलायची है ये केरला? केरला, ये केरला। केरला तमिलनाडु का। मैं केरला गया था तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा इलायची थी। तमिलनाडु का, ये बोड़ी में, इसे बोड़ी हो गया, बोड़ी में जाने का बोड़ी हो गया। इसके सामने जाएगा लौंग, पूरा इधर का कन्याकुमारी का लौंग हो गया। लौंग इधर का है, इलायची इधर का ही है। इधर का, ओके। काजू तो तमिलनाडु में होता ही है। इधर का कितना, 40 किलोमीटर हो गया। देखो ये क्या है ना? जायफल। जायफल, ये जायफल, ये हो गया ना भैया लौंग। देखो अलग अलग आता है। हाँ, अच्छा, ये लौंग का क्वालिटी अलग है और ये अलग है। काली मिर्च अलग अलग माल है, ये काली मिर्चा पूरा देखो बोरे से भरे हुए रखे हैं। ये सौंफ है ना? हाँ, बड़ी सौंफ। ये सौंफ, ये क्या है ना?
ये गरम मसाला का डालना तुम खाना नहीं, ओनली आंध्रा कर्नाटक आदमी का बिरयानी का बनाता वाला। अच्छा, वो बिरयानी के लिए? बिरयानी ये बनाना चिप्स? बनाना चिप्स है, तुम खाना नहीं, ओनली आंध्रा कर्नाटक आदमी। अच्छा, ओनली आंध्रा कर्नाटक? कर्नाटक ये तमिलनाडु को यूज करने के साइड। ये इलायची ले लिया, ये काजू हो गया 280-300। अभी शाम हो चुकी है और शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। मेरा जो कैमरा था वो डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से मैं होटल चला गया था। मैंने अपना कैमरा वगैरह चार्ज किया और मैं जाने वाला था फोर्ट पे। यहाँ पे एक फोर्ट भी है। बाहर निकला था लगभग 4 बजे के करीब। मैंने 4 बजे निकलता हूँ, थोड़ी दूर पे है जहाँ से मेरा होटल था, यानी ये जो बीच है, बीच के पास में ही मेरा होटल है। तो होटल से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। मैंने 6 किलोमीटर 10 मिनट में या 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा और 6 बजे तक तो फोर्ट खुला ही रहेगा। वो मैंने चेक नहीं किया कि फोर्ट कब तक खुला रहता है, तो फोर्ट जो था वो 4 बजे क्लोज हो गया, बंद हो गया। तो फोर्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, और एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम देख सकते हैं। और आराम से सबसे ज़्यादा तो यहाँ जो देखने वाली चीज़ है वो यहाँ पे सिर्फ आप आ जाओ और यहाँ के जो नज़ारे हैं ना बीच के, वही देखने लायक हैं। आराम से एक पीसफुल जगह है। इस तरह की ये जो चेयर आप पड़ी है ना, ये वाली, इधर मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ, तो अभी यहीं पर बैठेंगे थोड़ी देर तक और आप लोगों को सनसेट दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से सनराइज़ और सनसेट का जो नज़ारा होता है काफ़ी खूबसूरत होता है। सनराइज़ तो शायद मैं नहीं देख पाऊँगा क्योंकि सुबह मेरी ट्रेन है, मैं रिटर्न जाने वाला हूँ यहाँ से। तो सुबह मैं यहाँ से पहुँचूँगा तिरुवनंतपुरम से मेरी जो ट्रेन है वो आगरा के लिए जाएगी, जिससे हम आए थे केरला एक्सप्रेस, उसी से मैं रिटर्न जाऊँगा। कल सुबह ही मुझे यहाँ से 8:30 बजे निकलना है। दोस्तों, ये बना हुआ है यहाँ पे कन्याकुमारी माता का टेंपल, जिसके अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक अलग से ड्रेस पहननी होगी, जिसमें नीचे आपको लुंगी मतलब पहननी होगी और ऊपर आपको कुछ भी नहीं पहनना होगा। ऊपर आप ऐसे ही जाएंगे, नीचे सिर्फ लुंगी बांध के आप लोग अंदर एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं कन्याकुमारी माता। इंतज़ार था हमें सनसेट होने का, लेकिन सनसेट तो नहीं हुआ, बारिश होने लगी। देखो, शायद लेंस पे बूंद पड़ गई, तो इस वजह से इधर शायद भद्दा आ रहा है, मौसम ख़राब हो गया है। ऊपर पूरे बादल हो गए हैं काले काले, बारिश अभी तेज़ हो गई है। आप लोगों को शायद दिख रही हो कैमरे में या नहीं, लेकिन बारिश अभी काफ़ी तेज़ हो गई है। चलते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा भी कैमरा भीग रहा है। जैसे ही सूरज देखा मैंने कहा जल्दी से चलते हैं सनसेट पॉइंट पे और वहाँ से सनसेट देखेंगे। लेकिन ये क्या, जैसे ही मैं इधर आया ना, सूरज यार फिर से छुप गया। ये देखो, ये देखो, काफ़ी देर तक मैं इस जगह पे बैठा रहा, समुद्र की लहरों को देखता रहा। कभी समुद्र की लहरें मेरे पास आ जाती थी तो कभी दूर चली जाती थी। मौसम जो था बहुत ही खूबसूरत था। इस नज़ारे को देखते देखते शाम हो गई, शाम के बाद रात हो गई, कब अंधेरा हो गया मेरे को नहीं पता लगा। उसके बाद मैं यहाँ से उठा और अपने होटल आ गया। होटल के बाद सुबह मेरी जो ट्रेन थी वो तिरुवनंतपुरम से आगरा के लिए थी, तो मैंने सुबह अपनी ट्रेन तिरुवनंतपुरम से पकड़ी और फिर मैं इस सफ़र को यहीं पे समाप्त करके आगरा आ गया। ये जो सफ़र था बहुत ही खूबसूरत रहा मेरे लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।